अस्सलामुअलैकुम, कैसी है मेरी YouTube फैमिली। वेलकम करती हूँ आप सब लोगों का अपने एक और नए ब्लॉग में। और मैं हूँ मेरी भांजी के साथ, और क्योंकि ये लोग आए हैं पाकिस्तान घूमने फिरने के लिए, तो आज था ट्रैवलिंग का फर्स्ट डे। और फर्स्ट डे हम लोग जा रहे थे लाहौर को एक्सप्लोर करने के लिए। और जहाँ हम लोग जा रहे थे उनमें से जो सबसे पहली जगह थी वो थी लाहौर म्यूज़ियम, और उसके बाद हम लोग गए मीनारे पाकिस्तान, और क्या उसको कहते हैं, इसके बाद हम लोग गए थे शाही किला। क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम था, हम लोग घर से बहुत लेट निकले थे, और हर जगह हम लोगों ने बिल्कुल थोड़ा थोड़ा टाइम दिया। क्योंकि म्यूज़ियम एक ऐसी जगह है जिसको बड़े तवज्जो से देखना चाहिए, क्योंकि वो बड़ी हिस्टोरिकल एक प्लेस होता है, हिस्टोरिकल चीज़ें वहाँ पड़ी होती हैं, तो उसके लिए बड़ा टाइम निकालना पड़ता है। मेरा तो सेकेंड टाइम था म्यूज़ियम में, लेकिन मेरे साथ जितने लोग आए हुए थे वो फर्स्ट टाइम म्यूज़ियम का विज़िट कर रहे थे। और यहाँ पर हम लोगों ने हिस्टोरिकल चीज़ें देखने से ज़्यादा एक दूसरे के साथ हंसी मज़ाक में सारा टाइम गुजार दिया था। मतलब इतनी तवज्जो हम लोगों ने यहाँ पर चीज़ों को देखने में नहीं लगाई थी जितना एक दूसरे के साथ हंसी मज़ाक में हम लोगों ने टाइम गुजार दिया था। तो काफ़ी ख़ूबसूरत जगह थी, क्योंकि मैं पहले भी यहाँ पर आ चुकी हुई थी, और यहाँ की जो टिकट्स हैं म्यूज़ियम की भी वो भी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। मेरे ख्याल से 50 रुपीज़ ईच पर्सन था। तो हम लोग ने तकरीबन यहाँ पर एक घंटा ही गुजारा, क्योंकि हमारे होते होते ही जो थी म्यूज़ियम की टाइमिंग वो काफ़ी हद तक मतलब क्लोजिंग के करीब आ गई हुई थी। तो एक मतलब बड़ा पुरसकून सा इन्वायरमेंट था अंदर, और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत अंदर हर चीज़ थी, देखने का मज़ा आ रहा था, और बच्चे भी अच्छा टाइम गुजार रहे थे। फातिमा को भी काफ़ी कुछ देखने को मिल रहा था, और वो फर्स्ट टाइम पूछ रही थी कि मामा ये सब कुछ क्या है। तो मैं उसको एक्सप्लेन कर रही थी कि फातिमा ये पुरानी हिस्ट्री की जो चीज़ें हैं जो उन्होंने दरियाफ्त की हैं, और वो इन्होंने यहाँ पर रखी हुई हैं, तो ये ऐसे तो नहीं इसको अकेले में ले जा के फिर इसको हर चीज़ को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये काफ़ी कन्फ्यूज़ लग रही थी। हनुमान है, हनुमान चरण छूते हैं इसके। अरे कहना क्या चाहते हो? हनुमान है, हनुमान। ये कृष्ण है, कृष्णा की बीवी का क्या नाम था? ये अबू और ये सुमेरा, राम सीता की जोड़ी। ये अबू की गोदी में कौन है? इधर भी गोद में बैठी हुई है। मैं आज मैंने पूछा व्हाट इज दिस, तो कहती है बाबा। यहाँ पर बच्चों ने काफ़ी इन्जॉय किया था, मेरी भांजी ने भी काफ़ी इन्जॉय किया था, और फातिमा भी काफ़ी इन्जॉय कर रही थी, और जो बोबो थी वो मतलब प्रैम भी लेके गए थे, लेकिन प्रैम में नहीं बैठना, कोई बच्चा भी प्रैम में नहीं बैठ रहा था। बोबो भी ज़िद कर रही थी कि मुझे छोड़ दो और जहाँ मेरा दिल करेगा वहाँ मैं जाऊँगी, तो उसको मतलब किसी और के पास भी नहीं आ रही थी सिवाय अपनी मामा के। यहाँ पर बबू ने फुल टाइम चीखने वाला रोना स्टार्ट कर दिया था, तो वो
किसी के पास नहीं आ रही थी। बमुश्किल मेरे पास आके थोड़ी देर के लिए खामोश हुई, लेकिन अपनी मामा को देख के दोबारा से स्टार्ट हो गई रोना, क्योंकि वो भी थक गई थी। भाभी भी उठा उठा के और कह रही थी ना ये प्रेम में बैटरी है ना मेरे पास आ रही है, तो इसको थोड़ी देर के लिए उठा ले। तो वो थोड़ी देर के लिए गायब हुई, वो खामोश हुई, लेकिन जैसे ही उसने अपनी अम्मी की शक्ल देखी तो दोबारा से स्टार्ट हो गई रोना। और ये जो एरिया था ये सबसे खूबसूरत जो था म्यूज़ियम का एरिया था, आर्ट गैलरी थी यहाँ पर। इतनी खूबसूरत पेंटिंग्स और हैंडवर्क हुआ हुआ था यहाँ पर कुछ जगहों पर, और बड़ा मज़ा आया यहाँ पे। और एक बड़ा रिलैक्सिंग माहौल था यहाँ पर, तस्वीरें देखकर बड़ा सुकून मिल रहा था। बाद हम लोग आ गए थे मीनारे पाकिस्तान, और काफ़ी ज़्यादा गर्मी भी हो गई थी क्योंकि शाम को तकरीबन 4 से 5 बजे का टाइम था, फुल गर्मी हो गई थी और पैदल चलने का किसी का मूड नहीं था। तो यहाँ पर जो शटल कार थी वो हम लोगों ने बुक करवा ली थी, और मेरे ख्याल से उसने पूरा मीनारे पाकिस्तान का एक राउंड लगवा कर हम लोगों को बादशाही मस्जिद का जो दरवाज़ा था उसके पास उतार दिया था। और ईच पर्सन उसने मेरे ख्याल से 200 रुपीज़ लिए थे और टोटल हमारा 1000 बना था। तो बड़ा मज़ा आ रहा था, बड़ा खूबसूरत सा माहौल बना हुआ था। और वैसे खड़े रहो तो गर्मी है, और इसमें कार में बैठ के ठंडी ठंडी हवा लग रही थी, और साथ में जो ग्रीनरी थी उसको देख के भी बहुत सुकून मिल रहा था।